नब्बे प्रतिशत लोगों को तो कन्फ्यूजन है कि शुरू कहाँ से करें और कौन से फील्ड में जाएं जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया पर्पस है तो एनर्जी है तो वो पर्पस ही क्लियर नहीं है लोगों को या कौन से बिजनेस में जाएं कौन से प्रोडक्ट में उतरें नेटवर्क मार्केटिंग में जाएं या फिर रियल एस्टेट में उतरें या फिर ट्रेनिंग में आएँ तो पीपल आर कन्फ्यूज सो हाउ टू क्लियर दिस कन्फ्यूजन वॉट भगवत गीता से बाल कटाने वाले बंदे के पास में हमने उदाहरण लिया अगर तो उसके पास महीने में अगर 200 कस्टमर आ रहे हैं तो वो 800 सौ हो ही नहीं सकते हज़ार वो कर ही नहीं सकता क्यों उसका चेयर रोटेशन है मैं को तो कोई लॉस मेकिंग बिजनेस दे दो मैं ऐसे टर्न अराउंड कर दूँ उसको मेरा सब्जेक्ट है अब तक हज़ारों लाखों कर चुका हूँ जी अब कोई प्रॉब्लम बताओ उसको बताएं कैसे चेंज करना है क्योंकि इसके लिए मुझे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है कर हमारे खून में है जब मैं भागता भी हूँ तो पसीने की जगह कंटेंट निकलता है सो नाइस सर बट आज आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो जहाँ शायद आप काम भी ना करो तो भी सब कुछ अच्छा चलेगा hmm, लोग रिटायर nah, nah. करना चाहते हैं कई लोगों का सपना होता है पैंतालीस में रिटायर हो retry करना रिट्राई करना नेक्स्ट न्यू बेटर नेक्स्ट न्यू बेटर हाय नमस्कार दोस्तों मैं हूं कोच बी एस आर और आज मैं सुपर एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े बादशाह हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर नमस्कार एंड वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी यू सोचा था कि आप आपसे कभी रूबरू इस तरह से फॉर माय यूट्यूब चैनल एक इंटरव्यू होगा और आज वो दिन आया सो उसके लिए भगवान का भी शुक्रगुजार हूँ और आपका भी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर ऐसी कोई बात नहीं <laughs> आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बड़ी एनर्जी है आप में थैंक यू सर हाउ यू डूइंग सर

की बात है एक्सरसाइज के पहले भी लाइक मैसिव एनर्जी एनर्जी तो तो कोई सीक्रेट है कुछ कुछ अलग से 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 खाते पीते हो आप या ऐसे ही, ही मेरे को मालूम नहीं इस बारे <laughs> में मैं ईमानदारी बताऊं शायद ना से ही आती है ट्रू और मुझे ज़्यादा कुछ इसके बारे में थकान नहीं होती है बहुत दिन हो गए मैं सो नहीं पा रहा हूँ टाइम नहीं मिल रहा है खाने का टाइम नहीं मिल रहा है सोने का टाइम नहीं मिल रहा है बहुत टाइट चल रहा है आजकल है ना लेकिन ऐसा नहीं लगता है कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है।, तो वो पर -पर से ही है वो तो सर यहाँ पे मेरा हमेशा से क्यूरियोसिटी रहा कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे कैसे गए आप भगवत गीता पे इतना अच्छा बात करते हैं बिजनेस पे इतना अच्छा बात करते हैं लाइफ पे इतना अच्छा बात करते हैं सो हाउ डिड दिस जर्नी बिगेन यूट स्पिरिचुअल पाथ आप इसको हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है तो भगवत गीता में बिजनेस भी आ जाता है लाइफ भी आती है स्पिरिचुअलिटी भी आती है मोक्ष भी आ जाता है सब कुछ आ जाता है तो जब मैंने उसको पढ़ा ना तो पढ़ के जितनी बार पढ़ता हूँ लगता है कोई नया डायमेंशन मिल गया है अभी मेरे साथ में गौरांग प्रभु बैठे थे जी। उनके साथ हम कुछ चर्चा कर रहे थे उन्होंने गीता का एक श्लोक बोला वो अब गीता मैं इतनी दफा पढ़ चुका हूँ लेकिन वो श्लोक सुनने से ऐसा लगा जैसे मैं श्लोक की पहली बार सुन रहा हूँ तो वो वो जो फीलिंग है उसमें इतनी लर्निंग्स है इतने लेसन है तो सब कुछ मैंने देखा है कि मुझे जितने विदेशी प्रिंसिपल्स पता चले तो देखा यार ये तो मैं गीता में पढ़ चुका हूँ ये मैं, मैं गीता में पढ़ चुका हूँ जो अच्छे प्रिंसिपल्स जो एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स इनसे रिजल्ट मिलते हैं तो आई थिंक जब मुद्दा ये कि बुद्धिमान लोगों के माइंड का एक्सेस मिल जाए करेक्ट बुद्धिमान लोगों के माइंड का एक्सेस मिल जाए ना वहाँ से बात बनती है एक बार धीरू भाई अपने दोस्तों के साथ में गेट ऑफ इंडिया घूम रहे थे शाम को अच्छा तो अपने दोस्तों से चर्चा कर रहे थे तो चाय पीने लगे बोले तुम चाय पियो मैं भी जा रहा हूँ चाय पीने बोल कहाँ जा रहे ताज में तो बोला ताज में चाय कितने की मिलती बोले पचास रुपए की तो बोले वो इधर पचास पैसे की मिलती है वहाँ पचास रुपए की तो पचास पैसे की चाय के पचास रुपये क्यों रहता नहीं बोला चाय के पचास पैसे ही देता हूँ मैं ताज में उनचास रुपये पचास पैसे जो बचे हुए हैं वो वहाँ नेटवर्किंग के लिए देता हूँ मैं जो मुझे हाँ। लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो फोर्टी नाइन रुपये फिफ्टी पैसा इसलिए है कि मैं वहाँ बुद्धिमान लोगों से मिल पाऊँ तो कृष्ण भाव बुद्धिमान है उनके माइंड का एक्सेस मिल गया वो कैसे सोच रहे हैं वो सवाल का जवाब कैसे देते हैं वो क्या कोचते होंगे कि यार टाइम कम है इस समय युद्ध चल रहा है इस समय कितना लंबा आंसर दूँ छोटा आंसर दूँ तब भी बिल्कुल एक्ूरेट बात कर पा रहे हैं जो आज तक एस्ट्लिश है तो इसलिए ये शायद कुछ संतों का आशीर्वाद रहा होगा और मुझे नहीं लगता मैंने तो इतने अच्छे कर्म नहीं किए उनका आशीर्वाद है जो मुझे गीता मिल गई और अभी तक मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं कह सकूँ कि मैं उसका पूरा पालन कर पा रहा हूँ पर रोज़ इंप्रूव कर रहा हूँ नहीं सर लाखों लोगों की जिंदगी आप बदल रहे हो हर रोज़ इनफैक्ट आई थिंक भारत में जितने भी स्पीकर्स हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा लाइफ्स को आपने ही प्रभावित किया है अभी तक जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स या बिजनेस कोचेज हुए अभी आ, सर यहाँ पे मैं एक सवाल बिजनेसमैन के लिए लेता हूँ और एक सवाल मैं लूँगा उन लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स बहुत कुछ करना चाहते हैं जॉब में फंसे हुए हैं दे टू स्टार्ट बिजनेस दे टू अर्न लॉर्ड ऑफ मनी लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क बिल्कुल नहीं ले पाते रिस्क तो मतलब अपना स्टार्टअप स्टार्टअप नहीं नहीं कर कर पाते पाते दे दे ऑल वांट टू स्टार्ट देयर जर्नी लेकिन कहीं ना कहीं, कहीं उनको डर बहुत है या फैमिली रिस्पांसिबिलिटी है या कुछ तो पीछे होल्ड कर रहा है तो कभी भी अगर डर को खत्म करना है तो डर खत्म होता है तैयारी से प्रिपरेशन से जी अगर आपको उस डर को किल करने के लिए डर मतलब अनसर्टेटी किस चीज का अनसर्टनिटी अनसर्टेनिटी Un के लिए अगर आप प्रिपेयर हो जाते हो पहले से ही और उसका प्रिपरेशन कर लेते हो तो अनसर्टिनिटी yeah. का रिस्क खत्म हो जाता है टेंशन खत्म हो जाता है ये जर्नी में जो डर होता है जिसकी आप बात करो ये पहले एक हज़ार दिन होता है बस ओके okay. पहले एक हज़ार दिन का डर होता है एक हज़ार दिन में अगर आपके कैश लोज मूव कर गए कस्टमर्स आपके सेट सेट हो गए प्रोडक्ट आपका ठीक मार्केट फिट में एंटर कर गया है yeah. कंज्यूमर के फीडबैक्स आ गए उसके फीडबैक पर आपने इंप्रूवमेंट्स ले लिए हैं पैसा आने लग गया है मैन पावर टिकने लग गई है अब मैन पावर रुक पा रही है आपके पास शुरू में तो आती ही नहीं थी मैन पावर आपके पास वह 1000 दिन की जर्नी हमने उसको बड़ा फोकस में रखा है कि उसके 1000 दिन की जर्नी को हम ठीक रखें कि उसको उसको एक लॉन्च मिल सके अच्छा इसीलिए हमने लाए थे माय लॉन्चपैड एंटरप्रेन्योर right. लॉन्चपैड जिसमें आज आज हम जो चर्चा भी कर रहे हैं बैठे हैं आपने पे वर्ल्ड लार्जेस्ट इवेंट 230000 लोगों का इवेंट है ये 23 और 24 सितंबर को दिल्ली में है इंदिरा गांधी स्टेडियम में आप में से कौन कौन आ रहा है नीचे कमेंट कर दीजिए इसी वक्त आना ही है क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा इवेंट हो रहा है जहाँ तीस हजार से ज्यादा लोग एक साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा और बहुत सारे पावरफुल लोगों से सीखेंगे कैसे अपने आंट्रप्रनियोरशिप जर्नी को आगे ले जाया जाए तो ये जो हमने इस, इसका एक थीम रखा है इसको एक आइडेंटिटी दी है जी आइडेंटिटी है माई लॉन्च पैड तो उसमें क्या चाहिए आपको उसमें आपको ये समझना है कि पहले एक हजार दिन की जो समस्याएं आती हैं उनको हमने लिख लिया लिस्ट बना दिया ट्रू और उसको हमने सॉल्व किया mm -hmm. फिर देखा कि हमारे को कुछ लोग ऐसे मिल जाए जो बाहर से मेरी मदद कर सके mm -hmm. है ना इसको मैं बोलता हूँ आइडियल इंटीग्रेशन डेलीगेशन एलिमिनेशन ऑटोमेशन और लिबरेशन okay. तो अलग अलग स्टेजेस होती है mm -hmm. कब चीजों को इंटीग्रेट करना है किसको डेलीगेट करना है किसको ऑटोमेट करना है किसको आउटसोर्स करना है लिबरेशन तो mm -hmm. क्या काम की चीज नहीं है उसको एलिमिनेशन तो ये इसके लिए हमने क्या किया कि वहां एग्जीबिशन भी तैयार कर दिए अच्छा बाहर ऐसे उस एग्जीबिशन में बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो ऑन्ट्रोप्रोर्स की मदद करते हैं हर तरह के कंसल्टेंट्स के कोचेस हैं आपको टेक्नोलॉजी वाले लोग बहुत मिल जाएंगे जी। आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है आपको वेबसाइट तैयार करनी है आपको लीगल कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने हैं आपको 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 मार्केटिंग करानी है है कुछ भी करना आपके मन में किसी की फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ ऐसे भी लोग मिलेंगे ओके। तो वो एग्जीबिशन भी रखी है अंदर आएंगे सब ये सब यही चीजें सिखाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है जब आप शुरू कर रहे हो ना शुरू करते हुए सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो प्रोडक्ट पर रखना है ओके okay. प्रोडक्ट ठीक होगा ना तो आपको पैसा एडवांस में मिलेगा जी उधार पे नहीं जाना है मार्जिन का चैलेंज नहीं आएगा नहीं। दूसरों को देख के मार्केट में ना घुसे कंपटीशन को देख के इसने कमा लिया इसने कमा लिया इसने कमा लिया बची हुई बर्निंग प्रॉब्लम जो बची हुई है अभी तक जो अभी तक अनसोल्व है उसको उठाएं और उसमें फीडबैक लें कि यह अनसोल्व मैं सोच रहा हूँ कस्टमर के लिए अर्जेंट है कि नहीं है वो भी देखना है अनसॉल्व तो, तो है लेकिन कस्टमर के लिए अर्जेंट नहीं है अब चांद की प्रॉब्लम वहां रेजिडेंशियल उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी बिल्ड करना अनसॉल्व है लेकिन अर्जेंट नहीं है अर्जेंट नहीं है there, है टू गो ट्रू ना तो उसका अडोप्शन आएगा ही नहीं तो अनसोल्व भी होनी चाहिए और अर्जेंट भी होनी चाहिए बर्निंग प्रॉब्लम होनी चाहिए तो जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट फिट में नहीं एंटर करेगा मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा आपको फिर पुश सेल्स करनी पड़ेगी बहुत अब सर यहाँ तो इशू आता है कि जब वो बिजनेस शुरू कर देगा तब इशू आएगा कि मार्केट क्या है प्रोडक्ट क्या है नब्बे प्रतिशत लोगों को तो कन्फ्यूजन है कि शुरू कहाँ से करें और कौन से फील्ड में जाए जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया पर्पस है तो एनर्जी है तो वो पर्पज ही क्लियर नहीं है लोगों को या कौन से बिजनेस में जाएं कौन से प्रोडक्ट में उतरे नेटवर्क मार्केटिंग में जाएं या फिर रियल एस्टेट में उतरे या फिर ट्रेनिंग में आए तो पीपल आर कंफ्यूज सो हाउ टू क्लियर दिस कन्फ्यूजन वॉट भगवत से इज अबाउट इट देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पोटेंशियल होता है वो इंडस्ट्री में नहीं होता है जो पॉसिबिलिटी है

Uh, मैं लड़की हूं मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है मैं मेकअप की इतनी नॉलेज हो चुकी है मैं अब मैं अपना मेकअप स्टूडियो खोल सकती हूँ वहां से शुरू करो आप okay. लेकिन कस्टमर आपके पास कैसे आएगा कस्टमर आएगा कस्टमर को वो रीजन देना पड़ेगा कि वो दूसरों को छोड़ के आपके पास आए तो अपॉर्चुनिटी मेकअप में नहीं है अपॉर्चुनिटी रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच में व्हाट रीजन आर यू डिफाइनिंग कैसे आप कॉम्बो कैसे पैकेज करोगे याद रखना फिजिकल बिजनेस में हमेशा रिपीट कस्टमर काम आता है डिजिटल बिजनेस में हमेशा लो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्योंकि वो उसमें आप स्केल कर सकते हो तो फिजिकल बिजनेस के अंदर कस्टमर का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा कस्टमर का वैल्यू बढ़ सकता है ओके okay. ऐसे समझो आप पुणे में जहाँ पे आप बाल कटाने जाते हो वो कितना भी अच्छा बाल काटता हो उसके बाद दस किलोमीटर दूर से लोग नहीं आएंगे उसके बाद ट्रू जो भी आएंगे एक दो तीन चार पाँच किलोमीटर सात किलोमीटर में आएंगे ज्यादा से ज्यादा दस Correct. उससे ज्यादा दूर से नहीं आएंगे अब दस किलोमीटर की पॉपुलेशन डिफाइन हो गई है ऐसा आदमी फ्लाइट लेके नहीं जाएगा उसके पास में कि मैं आ रहा हूँ मुंबई से पुणे जैसे बाल कटाने कितना भी अच्छा हो मुश्किल है वो होना बिल्कुल तो उसका मतलब क्या है उसके पास कस्टमर का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा उसको इतना इंटेलिजेंट होना कि इसी कस्टमर से वैल्यू बढ़ जाए ट्रू समरी ये है कि द अपॉर्चुनिटी लाइज इन अ रीजन दैट यू कैन डिफाइन फॉर कस्टमर टू स्विच कस्टमर स्विच होके आपके पास आ जाए कॉम्पिटिट का कस्टमर आपके पास आ जाए वो कब आएगा जब एक कंज्यूमर के पास रियल रीजन होगा वो रीजन को डिफाइन करना है वो रीजन डिफाइन करना है आपने आ, और दूसरा चीज मैंने ये कि अगर फिजिकल दो तरह के बिजनेस मान रहा हूं मैं, फिजिकल या डिजिटल डिजिटल फिजिकल में दूर से कस्टमर नहीं आता है तो कस्टमर का वॉल्यूम नहीं बढ़ता आपके कस्टमर से केवल वैल्यू बढ़ा सकते हो एब्सोल्युटली। यानी कि अगर एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू कस्टमर का तीन सौ रुपए पर कस्टमर था पर ट्रांजैक्शन, उसको छह सौ नौ सौ या बारह सौ कैसे कर दूं? करेक्ट दूसरा चीज उसका रिपीट लेट्स से फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे बढ़ा सकता हूँ वो क्या हो गया पहले मेरे पास साल में छह बार आता था मैं क्या करूं कि साल में चौबीस बार आए वहां से आपका रेवेन्यू बिल्ड हो गया तीसरा मैं क्या स्ट्रेटेजिक प्राइसेस बढ़ा सकता हूँ साथ में स्ट्रेटेजिक प्राइसेस बढ़ा सकता हूँ चौथा क्या मैं सेम आइडेंटिटी के प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर सकता हूँ जिसको एफ एस एन एनालिसिस करना है फास्ट मूविंग स्लो मूविंग नॉन मूविंग फास्ट मूविंग न्यू प्रोडक्ट लाइन ऐड कर सकता हूँ जो सेम कॉम्बो में आते हो आइडेंटिटी को मैच करते हो एक और चीज है इसके अंदर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ के उसके साथ में जब वो ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उस ट्रांजैक्शन में एवरेज टिकट साइज जो मैंने बताया वो मैं कॉम्बो से कर सकता हूँ कॉम्बोज ऐड करके ओके okay. अब बाल कटाने वाले बंदे के पास में हमने उदाहरण लिया अगर तो उसके पास महीने में अगर दो कस्टमर आ रहे तो वो आठ हो ही नहीं सकते हज़ार वो कर ही नहीं सकता क्यों उसका चेयर रोटेशन है रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में एक महीने के अंदर अगर

पैशन भरना अपने अपने फील्ड के लिए कि जैसे सर ने कहा कि काटो तो वो पर्टिकुलर फील्ड निकले जैसे लता मंगेशकर के को काटो तो खून की जगह शायद गाना निकलेगा एंड मोहम्मद रफी साहब को काटो तो भी वही निकलेगा अमिताभ बच्चन को काटो तो, तो बिजनेस दो इमीडिएटली इफेक्टिव हो सकते हैं वो कौन से आपकी तरफ से हो सकते हैं जो आपके लिए बिजनेस में आप दिन रात अप्लाई कर रहे हो देखो कितनी बार भी बोलू कम पड़ेगा एक ही बात बोलूंगा कस्टमर की बॉर्डिंग प्रॉब्लम ऐसे कस्टमर अपने दो चीजें कस्टमर की अर्जेंट बर्निंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं अर्जेंट बर्निंग प्रॉब्लम समस्या नहीं ज्वलंत समस्या करेक्ट अर्जेंट बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे करनी है कि कस्टमर आपके बिना ना कर पाए अपने आप hmm. अगर आपके बिना अपने आप नहीं कर पाएगा तो आपका पुल रहेगा जीवन भर आप मार्केट में हमेशा आप नंबर वन नहीं होंगे आप दी ओनली वन होंगे मार्केट में क्या बात है आई लव दिस बाकी सब तो हिलते रहेंगे hmm. कोई आजू बाजू दिखेगा नहीं आपके एंट्री बैरियर एग्जिट बैरियर यही है उसी के अंदर उसी स्ट्रेटेजी में छुपा हुआ सब कुछ पकड़नी हो सौ बार एक ही बात पकड़ो कस्टमर की अर्जेंट बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे करो कि अपने आप हाँ आपके बिना ना हो पाए उससे कुछ क्या बात यह है इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोस्तों देखिए एप्पल ने जो बर्निंग प्रॉब्लम पकड़ रखी है कि मोबाइल है है, हैंग हो जाता है कई सारे वायरसेस घुस जाते हैं और बस एप्पल इज दी ओनली वन ओके ऐसे कई सारे छोटे छोटे एप्पल है जैसे ओला उबर अगर आप देखो तो इट इज फील्ड uh, में आपके गांव में आपके शहर में कोई ना कोई कचोरी वाला समोसे वाला वो बर्निंग प्रॉब्लम सोल्व कर रहा होगा so, ऐसा नहीं है कि बड़े छोटे में, में भी हो सकता है सर आप इतना एनर्जेटिक रहते हो इतना एक्टिव रहते हो और मैंने अभी अभी सुना आपकी टीम से कि आप पिछले सात आठ दिन से सोए भी नहीं तो एक सवाल हमेशा आता है कि वर्क लाइफ बैलेंस भी कोई चीज होती है <laughs> तो बिलियोन की क्या मेंटालिटी रहती है थोड़ा सा आप आप वर्क मैं वर्कआउट करता हूँ भी मेरे काम के लिए करेक्ट मैं नहाता हूँ सोता हूँ वही मेरे काम के लिए क्यों सो रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को कल दुनिया बदलनी है उसके लिए काम करना है मेहनत करनी है इसलिए रेस्ट कर रहा हूँ तो वो मेरे ऑफिस का हिस्सा है फुटबॉल खेलना बैडमिंटन खेलना रनिंग करना साइकिल चलाना जिम में जाना ये मेरे काम का हिस्सा है मैं उससे में काम ही कर रहा हूँ बट आज आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो जहाँ शायद आप काम भी ना करो तो भी सब कुछ अच्छा चलेगा लोग रिटायर करना चाहते हैं कई लोगों का सपना होता है में करना है मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं अभी बहुत आगे जाना है बहुत आगे जाना है रिटायर तो बहुत हल्के माइंडसेट के लोग करते हैं अभी तो रिट्राई अभी तो शुरू शुरू करना है वी लव टू कॉल अंडर डॉग्स सो अभी तो बहुत कुछ करना है अभी शुरुआत भी नहीं हुई है तैयारी हो रही है अभी तैयारी कर रहे हैं अभी शुरुआत होगा तो हंगामा होगा इस पे सर एक छोटा शेर याद आ रहा है अभी तो चलना सीखा है तारों को जमीन पे लाना है अभी तो पानी में उतरे हैं यारों समुद्र को पी जाना है विवेक बिंद्रा सर सबसे सफल मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोचेस एंड आई वुड से लाइफ लीडर्स में से एक है आज एक सेलिब्रिटी है एंड उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं अभी तो शुरुआत हुई है ये ही पैशन लास्ट ब्रेथ तक जिसमें है दोस्तों वही इतिहास बनाता है बिंद्रा सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये बातें करके और ऐसा लग रहा है कि नेवर एंडिंग ये डिस्कशन चलता रहे और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल रही है मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप हमेशा से जब से आपने शुरू किया है मैं आपको देख रहा हूँ हमेशा कुछ ना कुछ बहुत बड़ा लाते हैं कुछ ना कुछ अपने आप को कॉन्स्टेंटली पुश करते रहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए तो नौ दस बना दिए अभी इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट आप कर रहे हो इंडिया का नहीं शायद वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंतरप्रीनियरशिप इवेंट तो ये सबसे बड़ा सबसे बेहतर सबसे बिगर ये करने का जुनून जो आपका है ये इसके पीछे कोई आ, ऐसा इंस्पिरेशन भगवत गीता के अलावा कोई पर्सन ऐसा है हमारी जो है ना टीम बहुत जज्बा है एक बात आपको बताता हूँ अच्छी टीम ना कहीं मिलती नहीं है बनानी पड़ती है बनानी पड़ती है रेडीमेड टैलेंट कहीं नहीं मिलता बनाना पड़ता है और हमारा जो टीम बनी है ना हमारी वो बहुत अच्छी है सो so ट्रू तो वो लोग के सबके खून में ही ऐसा है आपका ब्लड ग्रुप क्या है

मैं कुछ भी ले सकता हूँ भगवान की कृपा लेकिन हमने पैसा कभी भी अपने मजे के लिए डाइवर्ट ही नहीं किया या अपने पर्सनल यूज़ के लिए लगाया नहीं कि चलो मैं रियल एस्टेट में चले जाता हूँ अरे चलो ये खरीद मॉल खरीद लेता हूँ या अपार्टमेंट खरीद लेता हूँ यहाँ बेला कुछ नहीं उस सबको हम री इन्वेस्ट करते रहे री इन्वेस्ट करते रहे अपने बिजनेस के अंदर जहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा का जाने के लिए कभी भी ऑर्गेनाइजेशन फिलासफ़ीज पर बड़ी होती हैं ट्रू

ग्रेट सर सर आखिरी क्वेश्चन इस इंटरव्यू का मैं लूंगा इस इवेंट के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सो दैट वी ऑल कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड क्या हम वहाँ सीखेंगे और किस किस तरह की चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्च पैड आपका पहले 1000 दिन की समस्याओं को लॉन्च करने के लिए आपको शुरू करने के लिए हमने इस पूरे इको को तैयार किया है hmm. विश्व का सबसे बड़ा इवेंट है hmm. हमारी आदत ये है कि हम इस सारे के सारे रिकॉर्ड दुनिया से तोड़ के भारत में ले आए तो इस बार भारत में हमारे को इसमें बड़े सारे दिग्गज आ रहे हैं कुछ की आप फोटोग्राफ देख रहे हैं जी। कुछ की फोटोग्राफ हम नहीं डाल रहे हैं इज अ रीजन वो नहीं डालना चाहते हम mm -hmm. uh, बहुत हैवी ड्यूटी कुछ लोग आ रहे हैं बहुत मजा आने वाला है इसमें uh, उसके बाद ऑफकोर्स इवनिंग्स में लेट इवनिंग में म्यूजिक uh, कॉन्सर्ट्स भी होंगे सिंगर्स okay. uh, भी आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल सोनू निगम भी रहेंगे और भी सिंगर्स रहेंगे सब काफी कुछ होने वाला है मतलब गूस बम्प्स होंगे वहाँ पे करंट आ रहा होगा

आगा बड़ा आगा। अच्छा आप करते हो उस प्रोग्राम को आपने एक बार इनवाइट किया था मैं शायद था नहीं, कहीं मिस आपकी कृपा से और सातवां सीजन बहुत जल्द यू सो मच सर दोस्तों इस वीडियो के नीचे आप सभी को लिंक दे रहा हूँ रजिस्टर आज ही कर लीजिए जल्दी से जल्दी कर लीजिए बिकॉज जैसे सर ने कहा बहुत जल्द सीट्स भी बुक हो रही है ना सिर्फ सीट्स बुक हो रही है आपको फ्लाइट्स ट्रेन सभी चीज़ें अगर अरेंज करनी है तो जितना जल्दी डिसीजन लेंगे देखिए लाइफ में बड़ी चीजें बहुत कम होती है और अच्छे लोगों की संगत में अगर आप रहते हैं तो ही आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है अगर आप कन्फ्यूज हैं अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा अगर आपको कोई रीजन नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का और अगर आप अपनी एंट्रप्रनियोरशिप जर्नी में कहीं भी स्टक है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट इवेंट मैं भी आ रहा हूं और आप सब भी जरूर आए सर यू आर डूइंग अ इनक्रेडिबल जॉब फॉर ऑल ऑफ अस इंस्पायरिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आई थिंक गॉड हैज ब्लेस्ड यू एंड मे दैट ब्लेसिंग कीप थोड़ी सी हम के उप, हमारे भी क्योंकि ऐसी बातें हैं वैसे तो देखा जाए तो किताबों में मिल सकती है आपको लेकिन जब आप किसी लिविंग लेजेंट से सुनते हैं तो ये डायरेक्ट हेड को बाईपास करके आपके हार्ट में उतर जाती है आपका क्वेश्चन बंद हो जाते हैं एक्शन लेना शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग धन्यवाद थैंक यू वेरी मच।